सुमित लांजेवार नागपुर से सर। सर ये आया था मैं मार्च 2020 में बेटे को लेकर आया था सर अपने। वो था सर तब 4 साल का था सर। उसे मतलब सुनने और बोलने में तकलीफ थी। उन्होंने तो जैसे बोला था कि आप मशीन लगाओ दोनों कानों में, दोनों कानों में मशीन लगाना है और बस बोले वो ही एक उपाय है, बोले इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते आप। दवाई उसकी चल रही है सर, जन्म होने में हमको 6 महीने में हमको पता चल गया था। फिर हमने उसका एलोपैथी में जो रहता है जो टेस्ट रहते हैं वो किया था हमने। उसके बाद जब हम गए थे एक डॉक्टर के पास तो उसने बोला कॉकलियर लगाना पड़ेगा, लेकिन कॉकलियर के लिए मेरे घर वाले तैयार नहीं थे। मैं तो तैयार था क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ, बट वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम एक दूसरे डॉक्टर से मिले थे बुल्ढाना में, जो मेरा ससुराल है, वहाँ की दवाई चली थी हमारी करीब करीब आप मान के चलिए जब तक हम इस सेंटर पे नहीं आए थे उसके पहले। हाँ मार्च 2020 एक साल हो गया। जितनी मेहनत हमने 4 साल में की है वो 4 साल की मेहनत हमारी 1 साल में आ गई, ऐसा हमको लगता है। रिजल्ट दिखता है, मतलब जो आपने गाइडलाइन दी है कि आपको ये करना है, आपकी गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप जो भी व्यक्ति चलेगा जो हमने फॉलो किया है उसमें वो रिज़ल्ट मिलता ही। मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि आप कम से कम एक बार यहाँ पर आएँ, यहाँ के डॉक्टर्स का ओपिनियन लें और उनकी गाइडलाइन फॉलो करें। देखिए वो आपके यहाँ कभी नहीं आएंगे, आपको अपने बेटे के लिए यहाँ पर आना है। बेटे बेटा आप हो या जो भी हो आपके घर में, वो यहाँ आप यहाँ पर उनको लेके आइए, एक बार कम से कम एक बार लेके आइए यहाँ पर आकर उनको दिखाइए। आप पूरी जानकारी उनको दीजिए कि ये तकलीफ़ है बोलने सुनने में जो भी है, तो उसके बाद वो आपको गाइड देंगे कि आपको इस तरह से करना है। उस गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, इसकी श्योरिटी है। और इसका उदाहरण मैं हूँ, मेरा बेटा 6 महीने में मुझे पता चल गया था कि बेटा बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता, लेकिन आज की डेट में वो इतना अच्छा बोलता है कि हम 4 साल पहले वाले जो मेरे बेटे को तो हम वो भूल चुके हैं। अब हमको ये पता है कि वो आगे चल के बहुत अच्छा बोलेगा, बहुत अच्छा सुनेगा और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा वो। इस तरह थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।